बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर हिमाचल में आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला। जी हां, बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी का। आपने हिमाचल की कार्य समिति भंग कर दी है, तो आप हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी, जल्द नई कार्य समिति का गठन किया जाएगा। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल हिमाचल में आम आदमी पार्टी का यह बड़ा फैसला, इसे किस तरीके से यहां पर देखा जाए? आपने हिमाचल की कार्य समिति को भंग कर दिया है। देखिए बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया गया है। जिस तरीके से तमाम बड़े नेता जो जो समिति के थे, वो आज जिस तरीके से बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे, हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी की बात की जाए या फिर महिला मोर्चा हिमाचल की अध्यक्ष ममता ठाकुर की बात की जाए, इनके अलावा भी अन्य पदाधिकारी जब भाजपा को ज्वाइन कर रहे थे, तो ऐसे में जो तमाम कार्यकारिणी थी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है भंग कर दी गई है, ताकि एक बड़ा डेंट जो है आम आदमी पार्टी को जो है ना लगता हुआ नजर आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में और भी कई नेता जो है वो जो है आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में चुनाव चूंकि नजदीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कार्यकारिणी को भंग कर देना कितना जायज फैसला है, ये जो है आने वाले भविष्य में पता चलेगा। क्योंकि जब अनूप केसरी ने पार्टी छोड़ी थी, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है लगाए गए थे, लेकिन अब किस तरीके से नया जो कार्यकारिणी है उसका गठन जो है किया जाएगा, और कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन महिला जो मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होगा, ये तमाम चीजें जो है आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती जो है कहीं ना कहीं अब रहने वाली है। जाहिर तौर पर चुनौती भी ऐसे वक्त में स्पर्श, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां पंजाब के बाद उस जीत को हिमाचल में भी दोहराने की जुगत में और दावा यहां पर कर रही है, शक्ति प्रदर्शन हिमाचल में जाकर कर रही है, वहीं हिमाचल में आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, हिमाचल में आम आदमी पार्टी की बात करें तो तमाम बड़े नेता जो है छोड़कर बीजेपी पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का नाम निकलकर सामने आता है, महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है उनका नाम जो है निकलकर सामने आ जाता है, आईटी सेल के कुछ लोग थे उनका नाम निकलकर सामने आ जाता है। तो ऐसे में तमाम जो बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी में जो है मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने आरोप भी लगाया कि आम आदमी पार्टी चूंकि दिल्ली से कहीं ना जो है वो उनको चलाने की कोशिश जो है की जा रही थी, और इसीलिए वो जो है आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें जो है खड़ी होती हुई नजर आएंगे। ऐसे में मुश्किलों को किस तरीके से पार किया जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।